अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। कैसे हैं आप सब माय यूट्यूब फैमिली। आज हम लोग जा रहे थे एक और दावत पे। वैसे हम लोग कल भी गए हुए थे एक दावत पे, तो वहाँ पे जाके मैं कुछ भी शूट नहीं कर सकी। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि फैमिली में हर किसी की प्राइवेसी होती है, इसलिए मैं किसी की प्राइवेसी को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं कर सकती। तो ये मैंने निकाले थे बच्चों के कपड़े और शान साहब के कपड़े। हम लोग रेडी होकर फिर हम लोग निकल पड़े अपनी नेक्स्ट दावत की तरफ। और जो हमारी आज की दावत थी ना, वो भाभी की सिस्टर की तरफ थी और वो शेखुपुरा में रहती हैं। और हमारा सफ़र बहुत लंबा था। हम लोग टाइम से निकल गए थे घर से जोहर की नमाज़ अदा करके, तो हम निकल गए थे। देख ले, हाजी आए हैं और साथ हमारे लिए भी दावतें लेकर आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि जहां वो जा रहे हैं साथ हमें भी वो लेकर जाते हैं। ज़ाहिर सी बात है, फैमिली तो हम एक ही है ना। तो हम लोग एक दिन पहले एक ननद की तरफ गए थे, फिर सेकेंड डे हम लोग दूसरी की तरफ गए हुए थे। वहाँ पे भी मैंने कुछ वीडियो शूट नहीं की थी क्योंकि वहाँ पे कुछ हम लोग गए भी लेट नाइट थे, तो इस वजह से मैं वीडियो शूट नहीं कर सकी थी। आज हम लोग जा रहे हैं शेखुपुरे वाली साइड पे। मुझे एग्जैक्ट जो है वो नहीं पता कि हम, क्योंकि मैं आई थिंक सेकेंड टाइम या थर्ड टाइम जा रही हूँ उनकी तरफ। माशाल्लाह से बाजी हैं, भाई हैं, बहुत अच्छे हैं, उनका इखलाक बहुत अच्छा है। वो जब भी हमें अपने घर दावत पे बुलाते हैं तो हम उनकी तरफ ज़रूर जाते हैं, और वो बहुत मज़े के खाने बनाती हैं। मुझे उनके खाने बहुत ज़्यादा पसंद है। और वो माशाल्लाह से मेहमान नवाजी इतनी अच्छी करती हैं ना, इतनी अच्छी करती हैं ना कि इतनी दूर है लेकिन फिर भी एक दफ़ा उनके बुलाने पे हम लोग सारे काम छोड़ के तो हम चले जाते हैं। अब हम लोग रास्ते में जा रहे थे और मैं ये सिर्फ छोटे छोटे से क्लिप जो है वो शूट कर रही थी, और मैं देख रही थी। मैं शान साहब को कह रही थी कि आज मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जैसे संडे है, सारी शॉप बंद है। तो वो मुझे आगे से कहने लग गए कि मैडम आज वाकई में संडे ही है। देख ले, एक हाउस वाइफ जो है ना वो भूल जाती है कि आज देख ले, क्योंकि उसकी डेली की रूटीन वही हो रही होती है, उसको कोई पता नहीं चल रहा होता कि कौन सा संडे है और कौन सा मंडे है। तो ये गाड़ी में थोड़ी सी ये अपनी शरारतें कर रहे थे दोनों, बाप बेटा। अहमद लगा हुआ था अपने पापा के साथ मस्ती करने, और मैं शान साहब को कह रही थी कि कभी मेरी वीडियो में भी आ जाया करें, कुछ हमें भी कुछ बता दिया करें, कुछ हमें भी दो तीन बातें सुना दिया करें। लेकिन शान साहब कहते कि नहीं, आप वीडियो बनाओ, आपका यूट्यूब चैनल है, मैं आपको सपोर्ट कर रहा हूँ। हाँ, इंशाल्लाह जब आपका यूट्यूब अच्छे मुकाम पे पहुँच जाएगा तो फिर मैं इंशाल्लाह ज़रूर आया करूँगा आपकी वीडियो में। तो ये अब शान साहब कुछ बोलने लगे, आप गौर से सुनिएगा। तो जी, शान साहब ये अपनी अम्मी के साथ बातें कर रहे थे क्योंकि वो 40 दिन के बाद वापस आई थी, तो वो उनके साथ लगे हुए थे बातें करने के लिए। तो मैंने कोई भी उनकी रिकॉर्डिंग नहीं की थी, मैं आप लोगों के साथ ही बातें कर रही थी, अपनी YouTube फैमिली के लिए ही मैं रिकॉर्ड कर रही थी कि एक अच्छा सा वीडियो मैं बना लूँ आप फैमिली के लिए। और वहाँ पे भी जाके एज़ यूजुअल मैं जितना शूट कर सकूँगी मैं लाजमी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बट मैंने आपको उनके बारे में बता दिया है कि बाजी हैं और भाई हैं, वो माशाल्लाह से बहुत अच्छी नेचर के हैं और वो बहुत ज़्यादा मेहमान नवाजी करते हैं। तो ये ले जी, हमारा शूट स्टार्ट हो गया है। ये भाई भाभी हमारे लिए कपल वॉच लेकर आए थे और हम लोगों ने आज फर्स्ट डे इसकी ओपनिंग की थी। तो मैंने कहा क्यों ना शान साहब एक छोटी सी वीडियो हो जाए मेरी यूट्यूब फैमिली के लिए, ताकि मेरी यूट्यूब फैमिली को भी तो पता चले ना कि हम लोगों की ये कपल वॉच कितनी प्यारी है। और माशाल्लाह से हम दोनों को बहुत पसंद आई थी। हालांकि शान साहब बिल्कुल भी वॉच नहीं पहनते हैं, मैं तो फिर भी पहनती हूँ रेगुलरली, लेकिन शान साहब जो है ना वो बिल्कुल भी नहीं पहनते। लेकिन आज उन्होंने फर्स्ट डे पहनी और वो यही कह रहे थे कि अब मैं इसे हर दफ़ा पहना करूँगा, जब भी बाहर जाया करूँगा मैं पहना करूँगा। तो ये ले जी, हमने कहा कि हमने थोड़ी सी दरियाए रावी की भी बना लेते हैं। और ये बार में हम लोग ये बाइक वाले पे इतना हंस रहे थे, हंसना नहीं चाहिए वैसे, बुरी बात है, लेकिन बस हम लोग वैसे ही देख रहे थे कि हमारे मुल्क की मर्दमशुमारी कितनी बढ़ती जा रही है, ऐसे ही बढ़ती जा रही है। तो यहाँ पे मैं शान साहब से कह रही थी कि ये हम लोग रावी पे आ गए हैं, तो वो मुझे कह रहे थे बिल्कुल रावी सूखी हुई है, अगर थोड़ी सी भरी होती ना तो मैंने आपको इसके अंदर धक्का दे देना था।
इतनी मोहब्बत करते हैं शान साहब मुझे कि उनका बस नहीं चल रहा था। वो कह रहे थे तुम जाके ज़रा देख के तो आओ कि दरिया रावी कितना को गहरा है, तो वापस आ जाओगी तो मैं तुम्हारे व्यूअर्स को, तुम्हारी यूट्यूब फैमिली को बता दूंगा। तो मैंने उनको कहा कि मुझे उनको बताने की ज़रूरत नहीं है, जब टाइम आएगा मैं खुद ही उनको बता दूंगी। तो ये हम लोग फिर से अपने जो है वो मंजिल की तरफ चल पड़े थे। रास्ते में हम लोग जा रहे थे, हम हाजियों से बहुत सारी बातें डिस्कस कर रहे थे, हम उनसे उनके एक्सपीरियंस के बारे में पूछ रहे थे। अल्लाह पाक सबको अपने घर की जो है वो सआदत नसीब फरमाए, सबको अपने घर में बुलाए। माशाल्लाह से हमारे घर के तीन हाजी थे, तीन बड़े लोग थे और तीनों के तीनों ही माशाल्लाह हज पे गए हुए थे, और उन्होंने हमारे लिए बहुत सारी दुआएं की। अल्लाह पाक उनकी हाजिरी भी कबूल व मंजूर फरमाए, और उन्होंने जितनी भी दुआएं की सब के लिए, सबकी सब दुआएं जो हैं वो कबूल हों। आपने भी सब ने बहुत सारी दुआएं करनी हैं, उनको अपनी दुआओं में हमेशा याद रखना है, और मेरे लिए भी आपने बहुत सारी जो है वो दुआ करनी है, और मुझे हमेशा आपने इसी तरह सपोर्ट करते रहना है ताकि मैं इसी तरह आपके लिए अच्छी अच्छी सी वीडियोस बनाती रहूं। ये तो एक जिसको बोलते हैं ना कि इंसान जिस मंजिल की तरफ चल पड़ता है उसकी एक छोटी सी सीढ़ी होती है जो कि अल्लाह ताला उसको दिखाता है कि हाँ तुमने इस रास्ते पर चल पड़ना है और इंशाल्लाह तुम्हें इस पे कामयाबी ज़रूर मिलेगी। तो कामयाबी तो इंसान को जो है वो इतनी आसानी से नहीं मिलती है, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मैं आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करती हूँ, मैं जहाँ भी जाती हूँ वहाँ पे मैं जाके आप लोगों के लिए शूट करती हूँ, और आप लोग मेरी वीडियो को पसंद करते हो और मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। फिर इसी तरह मेरे अंदर हिम्मत आ जाती है और मैं ये कहती हूँ कि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह से अच्छी वीडियो बनाती रहूँ। तो ये देखें बाहर का वेदर चेक करें, इतनी ज़्यादा गर्मी थी, इतनी ज़्यादा गर्मी थी, बहुत ज़्यादा गर्मी थी। तो हम हाजियों से पूछ रहे थे कि आप लोगों के लिए ये गर्मी कुछ भी नहीं होगी क्योंकि वो जिस गर्मी में रह कर रहे हैं, लेकिन उनको वहाँ पे बिल्कुल भी गर्मी फील नहीं होती थी। वो यही कह रहे थे कि हमें यहाँ पर आके गर्मी फील हो रही है, वहाँ पे तो हमें बिल्कुल भी जो है वो गर्मी फील नहीं होती थी, यहाँ पे उनको ज़्यादा गर्मी फील होती है। ज़ाहिर सी बात है अल्लाह ताला की रहमत के नीचे थे वो, अल्लाह ताला के साए के नीचे थे, तो उनको वहाँ पर कैसे गर्मी लग सकती थी। ये हम लोग अपनी मंजिल की तरफ शेखुपुरा पहुँच गए थे। रास्ते में बस अब हमारा उनके घर से थोड़ा सा डिस्टेंस जो था वो रह गया था, तो बस भूख भी बहुत ज़्यादा लगी हुई थी क्योंकि सुबह से हल्का फुल्का नाश्ता करके तो हम लोग निकल गए थे। हमने कहा कि अब एक ही दफ़ा जाके बाजी की तरफ मज़े मज़े के खाने खाएंगे जो बाजी ने हमारे लिए सुबह से मेहनत करके बनाए, और वहाँ पे जाते ही हमें सबसे बड़ा तोहफ़ा ये मिल गया कि उनकी सुबह 6 बजे की लाइट गई हुई थी और हम लोग आई थिंक 2 बजे 2:30 बजे पहुँचे हैं और उनकी अभी भी लाइट नहीं आई थी। ये तो हमारे पाकिस्तान में चलता ही रहता है लाइट का सिलसिला। बाकी सब के क्या मामलात हैं, किस तरह आप लोगों की लाइट जाती हैं आती हैं, आप लोगों ने मुझे लाजमी बताना है। ये हम लोग देख रहे थे रास्ते में कि किस तरह से छोटे छोटे से स्टॉल लगे हुए थे और हर बंदा अपनी हिस्से की रोज़ी रोटी कमा कर ही जाता है। जाहिर सी बात है अल्लाह ताला सबको जो है वो हलाल रोज़ी रोटी कमाने की तौफीक अता फरमाए। तो मैं अपनी YouTube फैमिली के साथ बहुत सारी बातें करती हूँ ना, बहुत सारा आपका सर खाती हूँ वॉइस ओवर कर कर के। आज की वीडियो मैंने थोड़ी लेंथी बनाई थी, वो लेंथी इस वजह से बनाई थी क्योंकि रास्ता ही बहुत लंबा था, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ बातें भी हो जाएंगी। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग पहुँच गए थे, और देखे जाते ही बाजी ने हमारे लिए टेबल खाने से फुल भरा हुआ था। उन्होंने चाइनीज़ राइस बनाए हुए थे, कचूमर सैलेड बनाया था, कोफ्ते का सालन था, चिकन का सालन था, साथ में उन्होंने हमारे लिए चिकन कढ़ाई बनाई थी, साथ नान थे, रायता था, बहुत कुछ था, और हाँ उन्होंने रोस्ट चिकन भी बनाया हुआ था। ये शान साहब की फेवरेट कोल्ड ड्रिंक, कहते मेरी तो फेवरेट कोल्ड ड्रिंक है। ले ये उन्होंने माशाल्लाह बहुत अच्छे इंतजाम किए हुए थे हमारे लिए। अब ये बाप बेटा बाहर बैठ के गर्मी को और मज़ीद इंजॉय कर रहे थे कि इनकी ऐसी बातें चल रही थी जो कि मैं भी सुन रही थी, लेकिन अब मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकती थी क्योंकि इनकी आपस की पर्सनल बातें थी। कभी हुआ तो फिर मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और ये अम्मी को अपने बेटों पे प्यार आ रहा था और अम्मी सदके वारी जाई जा रही थी बार बार इन पे। ये मैंने छोटे से उनके घर की क्लिप रिकॉर्ड किया था क्योंकि सब लोग अंदर बैठे हुए थे, तो मैंने कहा चलो मैं बाहर जाकर छोटी सी वीडियो उनके लिए बना लेती हूँ अपनी यूट्यूब फैमिली के लिए। बाकी सब लोग अंदर बैठे हुए थे,
ये फिर से इनकी कोई गहरी बातें शुरू हो गई थी जो कि मैं सिर्फ सुन के हंसी जा रही थी। और मैंने कहा कि मैं क्या अब अपनी हंसी कंट्रोल करूं। आपने मेरे मम्मा के चैनल देखे तो मुझे लाइक ही करते। तो ये ले जी, अब आ गई जी मीठे की बारी। और उन्होंने माशाल्लाह हाजियों के लिए मीठाई में जो था वो केक बनवाया हुआ था जिसके ऊपर लिखा हुआ था हज मुबारक। तो अब इसको हाजी लोग जो हैं वो इसको कट करने लगे थे। तो आपने देखा कैसे मेरा बेटा बोल रहा था। अब तो हमारे घर में सब के सब एक ही बात बोल रहे थे, मम्मा के चैनल को लाइक करो, मम्मा के चैनल को शेयर करो। देख ले, छोटे छोटे बच्चों को भी इस चीज़ का इतना शौक आ जाता है ना कि हाँ मम्मा अब आजकल वीडियोस बना रही हैं तो मम्मा यही कहती हैं, इसलिए उनको भी ये शौक आ जाता है। ये हैं जी हमारे सबसे बड़े हाजी साहब, भाई साहब, और साथ में थी उनकी बेगम और साथ में थी अम्मी। तीनों जो है वो केक काट रहे थे और मैं सबकी वीडियो नहीं बना सकती थी और यहाँ पे सब अपनी बातें कर रहे थे, इसलिए फिर से मुझे वॉइस ओवर करना पड़ा। अब ये तो आप सबको जो है वो बर्दाश्त करना पड़ेगा। हाँ इंशाल्लाह आगे जब शॉपिंग वाली कोई वीडियोस आएंगी ना फिर उसमें मैं वॉइस ओवर नहीं किया करूँगी, वो मैं आपको एज इट इज़ इसी तरह ही बताया करूँगी। अब ये जो जिनकी तरफ हम लोग दावत पे गए थे वो भाई भाभी और अम्मी को केक जो है वो खिला रहे थे और उनको बोल रहे थे कि हमारे लिए भी आपने बहुत सारी दुआएं करनी हैं। और ये अब वो अम्मी को केक खिला रहे थे और सब के सब माशाल्लाह फैमिली बैठी हुई थी, आपस में बातें कर रही थी, हाजियों से पूछ रही थी कि हाँ आपका एक्सपीरियंस कैसा था, वो वहाँ की सारी बातें बता रहे थे। और बातें उनकी ख़त्म ही नहीं हो रही थी कि इतनी ज़्यादा बातें थी, इतनी ज़्यादा बातें थी। माशाल्लाह से अल्लाह पाक बुरी नज़र से बचाए। तो ये ले जी अहमद साहब अब दौड़ने लग गए हैं, भागने लग गए हैं। उन्हें क्या जी, मैं हूँ छोटियाँ छोटियाँ गलियाँ ने तो मैं दौड़ा लानी शुरू कर दा, इसकी दौड़े शुरू हो जाती हैं फिर इसकी दौड़े ख़त्म नहीं होती है। और दौड़ों में तो ये फर्स्ट है, ऐसा इसकी दौड़ों पे फर्स्ट पोजीशन आती है ना, वो भी मैं कभी आपके साथ शेयर करूँगी। और एज़ यूजल ये उसकी बहन उसको ढूंढते हुए, कहाँ गया मेरा भैया, कहाँ गया मेरा भैया, और उसको नज़र नहीं आ रहा था उसका भाई। जब फाइनली उसको नज़र आ ही रहा तो उसको सुकून आ गया, लेकिन अहमद की दौड़ नहीं मुकी। अहमद अभी भी दौड़ी जा रहा है, दौड़ी जा रहा है। तो ये माशाल्लाह दोनों बहन भाई इसी तरह ही आपस में करते रहते हैं, वो उसकी दौड़े ही नहीं ख़त्म होती और उसको उसके पीछे दौड़ना नहीं ख़त्म होता। तो माशाल्लाह खाना बहुत अच्छा था, जजाकल्ला बाजी भाई। आप अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं तो बहुत बहुत शुक्रिया, जजाकल्ला कि आपने हमें भी जो है वो हाजियों के साथ बुलाया अपने घर में। तो ये लें जी, अब ये हमारी वापसी की तैयारी हो रही है। हम लोगों ने माशाल्लाह उनकी तरफ दोपहर का खाना खाया था, बातें करते करते हमें कब शाम हो गई, शाम से रात हो गई, हमें पता ही नहीं चला। क्योंकि जब मदीने की मक्के की बातें होने शुरू होती है ना, और हाँ आप लोगों ने अगर मदीना और मक्का की वीडियोस देखनी है, वहाँ के बाज़ार देखने हैं, तो मैं ज़रूर आपके साथ वो भी वीडियो शेयर करूँगी। आपने मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी मैसेज करना कि अगर आप वो वीडियोस वहाँ के बाज़ार वहाँ की रौनकें देखना चाहते हैं तो मैं आपको वहाँ की वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी, ठीक है। तो ये वहाँ पे रास्ते में ही हमारे पास हमने एक स्टे किया था, एक अच्छी बहुत अच्छी ज़बरदस्त सोसाइटी थी। तो भाई ने नमाज़ पढ़नी थी इसलिए हम लोग उधर पास एक सोसाइटी थी वहाँ भाई मस्जिद में नमाज़ पढ़ने चले गए थे। मैं ऐसे वीडियो बनाने लगी, मैंने कहा मैं थोड़ी सी शूट कर लूँ क्योंकि मुझे ये सोसाइटी बहुत अच्छी लग रही थी। तो अहमद साहब दी इतने भी दौड़ा शुरू हो गई हैं, तो उसकी बहन फिर उसके पीछे दौड़ रही थी कि अहमद रुक जा, अहमद रुक जा, लेकिन अहमद साहब की दौड़े नहीं ख़त्म हो रही थी। माशाल्लाह से अल्लाह बुरी नज़र से बचाए। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अब उसके बाद आगे हम लोग जा रहे हैं घर, इंशाल्लाह खैर खैरियत से घर पहुंच के। तो आप सब ने मुझे अपनी दुआओं में याद रखना है। तो फिर उसके बाद हम लोग घर जा रहे थे, रास्ते में हमें फिर भूख लग गई क्योंकि हम लोगों ने दोपहर का खाना खाया हुआ था और अब हमें रात हो गई थी आते आते। तो एज़ यूजल मैं अपने फेवरेट फूड पॉइंट पे पहुंच गई थी चीज़ीएस में, डीएचए में, जो कि मैंने आपको बताया था कि मेरा बहुत बहुत फेवरेट है। आज हम लोग गए तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि बहुत ज़्यादा रश था। हम लोगों ने तकरीबन 15 से 20 मिनट हम लोगों ने वेट किया, फिर जाके उन्होंने हमारा नाम लिया, जी आ जाए, ताड़ा नंबर भी आ गया जी।
तो फिर उसके बाद हम लोग गए जी ऊपर, ऊपर जाकर हम लोग बैठे, हम लोगों ने फिर अपना ऑर्डर किया। ऑर्डर करके तो अब ये थोड़ी सी मैंने वीडियो शूट की थी, हमारा खाना शाना आ गया। हमें भूख इतनी लगी थी कि मुझे कोई नहीं पता चला कि मैंने वीडियो भी बनानी थी। जब एंड पे खा लिया फिर मुझे याद आया कि हूँ खाली भांडिया थी, मैं फिर तस्वीर बना ली। मैं क्या पता तो लगे कि असी कुछ खादा भी सी कि खाली इतने बह के चले गए सी। अब ये शान साहब ने आज जो चीज़ें इस वालों के साथ किया वो बहुत बुरा था। यहाँ पे रीफिल थी और हम लोगों ने इनकी रीफिल, अच्छी खासी रीफिल करवाई थी, ड्रिंक्स इनकी रीफिल थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा खाना शाना हो गया था, खाना शाना खा के तो हम लोग अब अल्हम्दुलिल्लाह अब हम सीधा घर ही जाएंगे। अब हमारी जो ब्रेक होनी है ना वो हमारी घर जाके ही लगेगी, क्योंकि अब भाई कहीं भी नहीं रुकने वाले थे। सबसे मुश्किल काम होता है भाई को किसी जगह पे रोकना, जो कि वो बिल्कुल भी नहीं रुकते होते हैं। तो जज़ाकअल्लाह जी, आज की ये थी मेरी वीडियो जो कि काफ़ी लंबी हो गई थी, लेकिन आपने मेरी वीडियो को फुल वॉच करना है और मुझे दुआओं में याद रखना है। अब मैं मिलूँगी आपको अपनी अगली वीडियो में। अगली वीडियो तक आपने मुझे सब्सक्राइब करना है, मेरे चैनल को लाइक करना है और घंटी को भी दबा देना है, ठीक है, ताकि मेरी आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलती हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।